ये हमने अटैचमेंट पूरी कर ली है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लैक एंड डेकर का पंप है, उसमें सारा ये जो है ये लाइट क्वालिटी का है, मतलब इसमें बिल्कुल लाइट जो है उसका वेट है। और ये जो है ये हैवी में है, ये पूरी स्टील की है पाइप इसकी, और यहाँ पे भी अंदर स्टील का यूज़ किया गया है। और ये जो अटैचमेंट है ये काफ़ी अच्छी है इसकी, और यहाँ पे जो इसका हैंडल है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी ये फ्रेंड्स पीछे को है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में जो आपका मतलब शैम्पू वगैरह आप यूज़ करते हैं गाड़ी में, तो ये उसके लिए जो है ये फिल्टर लगा है। आप इसको शैम्पू की बोतल में डिप करोगे, और यहाँ से ये जो है अभी इसको अगर आप पीछे करोगे तो यहाँ से अगर ये वहाँ तक शैम्पू होता तो यहाँ से शैम्पू आना था। और अगर आपको ये पंप जो है इसमें प्रेशर का यूज़ करना है तो इसको आप आगे को सॉरी पीछे को करोगे फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रेशर का काम करेगा, और आगे को ये पंप जो है शैम्पू वगैरह अगर यूज़ करना है तो उसका काम करेगा। तो अभी हम ये आप देख सकते हैं दूसरे पंप से हमने साफ़ किया था, अभी हम इस पंप से साफ़ करके चेक करेंगे कि उसका प्रेशर रहेगा, वो ये दर्शाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी मतलब मीडियम से ऊपर है, मैक्स पे है, और इससे भी ज़्यादा ये अगर फुल टाइट करोगे आप तो ये अभी जो है अभी बिल्कुल फुल प्रेशर पे काम करेगा। तो ये 140 का जो प्रेशर यूज़ करता है, मतलब 140 का मैक्स प्रेशर जो है, अभी ये 140 बार का प्रेशर यूज़ होगा इसमें। तो अभी ये और देखेंगे ये जो अभी काई रह गई है थोड़ी, ये साफ़ होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसने अपना काम बिल्कुल बढ़िया से किया है, और मतलब पूरे लेवल तक इसने काई को साफ कर दिया है। बिल्कुल जो फाइनल के लास्ट के मतलब बड़े पुराने दाग हैं वही रहे हैं, बाकी को इसने सारे को उठा दिया है। और अभी हम जो है एक स्लेट का टुकड़ा ही इससे साफ करेंगे, और चेक करेंगे फिर कौन सा जो है वो ज़्यादा बढ़िया से है। तो इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं, तो अभी हम इसको साफ करेंगे। फ्रेंड्स, इसका प्रेशर आप देख सकते हैं अभी मैक्स के ऊपर है, तो इसने मतलब मिट्टी मिट्टी सारी उखाड़ दी है। तो और ये जो है इसके ऊपर मेरे को पैर रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है, ये आगे को भाग रहा है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसने इसको चमका दिया है, और ये हमने जो दूसरे पंप के साथ किया था साफ, इसको भी आप देख सकते हैं, और इसकी और इसकी क्वालिटी में आप फर्क देख सकते हैं। और अभी मैं एक बार इसके ऊपर भी चेक करता हूँ, शायद आपको बढ़िया से क्वालिटी का फर्क पता लग सके। फ्रेंड्स, इसको आप देख सकते हैं इसको भी काफ़ी अच्छे से इसने साफ कर दिया है। और अभी हमारी जो लास्ट टर्न है वो आती है इस ईंट की, तो ईंट के ऊपर देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ये जो है ये दूसरे पंप ने किया था, और अब इस पंप से हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखते हैं, तो ये पूरे पॉइंट के ऊपर है। तो फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने ईट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना इफेक्ट डाला है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा पॉइंट रखा है इसका, तो यहाँ पे इसने ईट में गड्ढा कर दिया है। और अभी दूसरी तरफ करता हूँ मैं, या यहाँ पे जहाँ पे ये प्लेन है इसके ऊपर चेक करता हूँ क्या यहाँ पे भी गड्ढा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इसका। और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर इसने काफ़ी हद तक गड्ढा कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो मीटर है, ये अगर आप ऐसा कोई पंप परचेज करते हैं जिसपे मीटर लगा हुआ है, या यही बोश कंपनी का पंप परचेज करोगे, तो ये ध्यान रखना कि ये जो मीडियम रेंज है इसकी ग्रीन, इस मीडियम रेंज में अगर आप पंप को चलाओगे तो पंप आपका काफ़ी लंबी लाइफ तक, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और अगर आप लो के ऊपर चलाओगे तो भी पंप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इफेक्ट वो पड़ेगा यहाँ से। अगर आप लो करोगे तो ये जो इनलेट है पंप के अंदर पानी जाने का माध्यम जो है ये पाइप, तो यहाँ से ये नीचे से बंद हो जाएगा, तो पंप के अंदर पानी कम जाता है, तो जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और पंप में बियरिंग एंड टीयरिंग होगी। तो इसके अगर आप मीडियम के अंदर इसको चलाओगे तो ये काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। और तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो पंप है ये 140 bar का इसका मैक्स प्रेशर है, और ये काफ़ी बढ़िया से और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब जो काम दूसरा जो मेरा ब्लैक एंड डेकर का पंप है उसमें, मतलब अगर मेरे को कुछ एरिया साफ़ करना हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपका मतलब कार अपने लिए पर्सनल कार है, बाइक है, उसको धोने के लिए अगर आपको पंप परचेज करना है, तो जो ब्लैक एंड डेकर का ये छोटे रेंज के जो पंप रहते हैं लो मीडियम रेंज के, उसके साथ आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है वो पंप, मतलब गाड़ी धोनी हो आपको तो वो बिल्कुल अच्छे से अपना काम करता है। और अगर आपके पास कोई बड़ा व्हीकल है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपका प्रोफेशनल वर्क के लिए है। जैसे अगर आप ब्लैक एंड डेकर का पंप यूज़ करोगे तो उसको आप मैक्सिमम 20 से 25 मिनट तक यूज़ कर पाओगे, उसके ऊपर अगर आप उसको यूज़ करोगे तो उसमें जो है वो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बियरिंग एंड टीयरिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे 20-25 मिनट अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको उसको रेस्ट देनी पड़ेगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल है इसको आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कंपनी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको आप मैक्सिमम 2 घंटे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको आप जैसे मर्जी चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रफ एंड टफ है। और अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आप उस पंप के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया पंप है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।